हैं तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लेते हैं। नाभि रज्जु इंग्लिश में बोलते हैं इसको अम्बिलिकॉर्ड किसे कहते हैं या क्या है, ठीक है। तो नाभि रज्जु या अम्बिलिकॉर्ड क्या कहलाता है, जब भ्रूणीय वृद्धि के साथ साथ संयोजक ग्रंथि भी सकरा एवं लंबा होकर के नाभि रज्जु का निर्माण करता है। देखें चसी क्या होता है, जो अपना एक गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है, ठीक है ना। अब एक भ्रूण क्या होता है, वृद्धि करता है, ठीक है। तो भ्रूण की वृद्धि के साथ साथ भी कुछ और चेंज होते हैं, ठीक है। भ्रूणीय वृद्धि के साथ साथ संयोजक वृद्ध भी, इसमें एक वृद्ध पाया जाता है, ठीक है ना। वो वृद्ध कैसा हो जाता है, सकरा हो जाता है एवं लंबा हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, नाभि रज्जु कहते हैं। जहाँ से नाभि जाती है, ठीक है ना, एक ऐसी धागा धागा टाइप का निकलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नाभि रज्जु कहते हैं। इसी के माध्यम से भूत पदार्थ आदि चीज़ें क्या होती हैं, उस भ्रूण को भेजी जाती हैं। तो मैडम तो नाभि रज्जु किसे कहते हैं, भ्रूण की वृद्धि के साथ साथ संयोजक ग्रंथि कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता और सकरा हो जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, नाभि रज्जु या अम्बिलिकॉर्ड कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना, समझ लेते हैं इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंटी, शुक्राणु चरण एवं अंडाणु चरण में अंतर लिखिए, तो इसको समझ लेते हैं इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ा, शुक्राणु चरण के अपन पहले पढ़ चुके हैं कि शुक्राणु चरण किसे कहते हैं, ठीक है, और अंडाणु चरण किसे कहते हैं। शुक्राणु चरण मीन्स होता है शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, शुक्राणु चरण कहते हैं, और अंडाणुओं के बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अंडाणु चरण कहते हैं। इंग्लिश में उसको ओजेनेसिस और इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट है कि शुक्राणु चरण की क्रिया किसमें होती है, क्या, तो यह प्रसरण में होने वाली वह क्रिया है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यानी जो मेल के जनन अंग हैं, मेल के जनन अंगों में कौन सा मुख्य अंग माना जाता है, प्रसरण माना जाता है, और इस प्रसरण में एक रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम क्या होता है, शुक्राणु चरण, और इस शुक्राणु चरण से बिना क्या बनता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वैसे इसमें चलते हैं तो ये कहाँ होता है, अंडाशयों में होने वाली वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। क्लियर हुआ कि हुआ, पहला पॉइंट ये वृषण में होता है, वो कहाँ होता है, अंडाशयों में होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 400 शुक्राणु बनते हैं, ठीक है ना। जब ये रिएक्शन होती है उस समय एक जो प्राथमिक सेल होती है जिससे आगे जाकर के शुक्राणु बनते हैं, उस सेल को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइट। तो इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बन जाते हैं, 4, लेकिन इसमें एक प्राथमिक ओसाइट से केवल एक अंडाणु बनता है। इसमें 4 शुक्राणु बनते हैं और इसमें एक अंडाणु बनता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, इसमें ध्रुवीय कार्य, इंग्लिश में बोलते हैं इनको पोलर बॉडीज, तो इनमें पोलर बॉडीज नहीं बनती है, शुक्राणु जनन में पोलर बॉडीज नहीं बनती है, लेकिन इसमें पोलर बॉडीज का निर्माण होता है, ठीक है ना। देखा था कि 3 पोलर बॉडी बनती है, ठीक है ना, तो इसमें पोलर बॉडीज बनती हैं पर इसमें पोलर बॉडीज नहीं बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
इससे बनने वाले या इससे बने चार शुक्राणु जनन या निषेचन में भाग लेते हैं। ध्यान से देखें, अब इससे बनने वाले जो चार शुक्राणु होते हैं जनन या निषेचन में भाग लेते हैं, पर इसमें ध्रुव कोशिकाएं जो होती है निषेचन में भाग नहीं लेती है, ठीक है ना। इसमें भाग लेते हैं फिर आगे जाकर कि केवल एक शुक्राणु ही मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो पोलर बॉडीज होती हैं वो भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट होता है शुक्र कोशिकाएं छोटी व चल होती है। जो शुक्राणु बनते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं शुक्र कोशिकाएं वो कैसी होती हैं, छोटी होती है व चल होती है। लेकिन इनमें जो अन्य कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं तथा कैसी होती हैं, अचल होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो शुक्राणु जनन और जो अंडाणु जनन है, इन शुक्राणु जनन अंडाणु जनन के माध्यम से क्या बनता है ये प्रभु पता होना चाहिए। शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, नर युग्मक एवं मादा युग्मकों में अंतर लिखिए। अब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं? नर युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु और मादा युग्मक का मतलब होता है अंडाणु, ठीक है। तो पहला पॉइंट है नर युग्मक में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेल गैमेट, उसको बोलते हैं पर मेल गैमेट। तो जो नर युग्मक होता है मनुष्य का नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। तो नर युग्मक मनुष्य का कौन सा होता है बेटा, शुक्राणु होता है। और मनुष्य का मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु, इंग्लिश में कहते हैं उसको ओवम। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट होता है हमारा आकृति में नर युग्मक सूक्ष्म एवं लंबा होता है। आकृति में देखा जाए तो जो नर युग्मक होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, सूक्ष्म होता है और कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है ना। लेकिन मादा युग्मक कैसा होता है, आकार में गोल पाया जाता है, ठीक है ना। तो मादा युग्मक आकार में गोल होता है और एक आकृति में कैसा होता है, लंबा। नेक्स्ट इसकी संरचना तीन भागों में सिर और मध्यभाग एवं पूंछ में बटी होती है, यानी जो शुक्राणु होता है, ठीक है ना, शुक्राणु जो नर युग्मक है ये नर युग्मक तीन भागों में बटा हुआ है, सिर में और मध्यभाग माने मिडिल पीस और लास्ट तीसरा होता है कौन सा, टेल होता है। मध्यभाग, ठीक है ना, सिर मध्यभाग और पूंछ में बटा होता है। लेकिन यह गोलाकार एक केंद्र की संरचना है, गोलाकार है और उसमें केवल एक केंद्र पाया जाता है जो चारों ओर से क्रमशः चोरोना पेलुसिडा एवं कोरोना रेडिएटा नामक स्तरों से घिरा रहता है। पहले पढ़ने पड़ चुके हैं, ठीक है ना, कि अंडाणु के ऊपर दो झिल्लियां पाई जाती हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, चोरोना पेलुसिडा कहते हैं और कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ठीक है। एक तीन भागों में बटा होता उसमें दो झिल्लियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है इनमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, आवृत होती है, ठीक है ना। और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, आवृत होती है। ये अंतर न होकर एक ऐसा होता है समानता पाई जाती है, ठीक है ना। दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, आवृत होती है। यह चल होता है, चल मीन्स क्या होता है, शुक्राणु गमन करता है, ठीक है। लेकिन ये कैसा होता है, अचल होता है, क्लियर। तो हमारे तीन क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, नाभिका रज्जु, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा होता है, नर युग्मकोद्भिद, यानी क्या बोलते हैं, जो शुक्राणु जनन की क्रिया और अंडाणु जनन की क्रिया, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर होता है। दूसरा शुक्राणु और अंडाणु में अंतर, यानी नर युग्मक और मादा युग्मकों में अंतर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर होता है। और 19वां क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या बताना है प्रभु, अंतर।
तो देखो लैंगिक जनन की क्रिया क्या कहलाती है और अलैंगिक जनन की क्रिया क्या होती है। देखिए लैंगिक जनन जो होता है, इस जनन में युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है ना। जो गैमेट होते हैं, गैमेटों का निर्माण, जैसे मान लीजिए नर में नर युग्मक बनेंगे, ठीक है ना, मादा में क्या बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं। तो इस जनन में लैंगिक जनन की क्रिया में क्या बनते हैं बेटा, युग्मक बनते हैं, ठीक है ना। और युग्मकों का नाम पता है आपको, नर युग्मक का नाम क्या होता है, शुक्राणु, मादा युग्मक का नाम क्या होता है, अंडाणु होता है। तो इसमें युग्मक बनते हैं पारव अलैंगिक जनन, इस जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें युग्मक बनते पर उसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट होता है सेकंड, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है पर इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती, ठीक है ना। इनमें युग्मक बन रहे तो निषेचन होगा पक्का है, लेकिन उसमें निषेचन नहीं होता। नेक्स्ट तीसरा है, यह द्विचरकीय होता है, लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों जनकों की जरूरत पड़ती है, तो यह द्विचरकीय होता है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं बाइपेरेंटल, लेकिन यह एक चरकीय होता है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिपेरेंटल, हो जाएगा एक द्विचरकीय है, वो कैसा है, एक चरकीय। नेक्स्ट होता है इसमें या इससे उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनकों की कैसी होती है, समान नहीं होती है, क्योंकि इसमें विभाजन होते तो जो भी संतान बनेगी वो संतान कैसी होगी, अपने माता पिता के समान नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। जैसे एक माता पिता के एक लक्षण हो संतान पैदा होगी तो दो भाई बहन एक से होती क्या, और अंतर होते हैं। तो इससे उत्पन्न होने वाली जो संतानें होती हैं वो जनकों की कैसे होती हैं, समान नहीं होती हैं, पर इससे उत्पन्न होने वाली संतान जो होती हैं अपने जनकों की कैसे होती हैं, समान होती है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में समान होती हैं और लैंगिक जनन में समान नहीं होती, क्लियर। फिर 40 पॉइंट बताना है, हमारे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। आप 3 क्वेश्चनों को अपनी कर लेते हैं।